एक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। देव कलपति इंद्रलाल मेमोरियल ट्रस्ट ग्राम कोषा तपोवन हाल देहरादून के तत्वाधान में सपेरा बस्ती देहरादून में गरीब असहाय दिव्यांग महिला पुरुष व बच्चों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि पितरों की नियमित दान स्वरूप संयोजन मदन लाल कोषवाल, पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी स्वतंत्रती कोषवाल व विपिन कुमार सोनी पूर्व विधायक प्रत्याशी यमुनोत्री विधानसभा द्वारा वस्त्र वितरित किए गए। ट्रस्ट का उद्देश्य असहाय वृद्धजनों, प्राकृतिक आपदा व अन्य दुर्घटना से अनाथ हुए मेधावी बच्चों, नशे ड्रग्स की लत के आदि हुए युवक युवतियों, समाज से पीड़ित महिलाओं की सहायता करने का प्रयास कर मुख्य धारा से जुड़ना है व उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों की वनाधिकार अधिनियम पर कार्य करना है। मेरे ट्रस्ट को संचालित करने का जो मेरा जो प्रेरणा मुझे मिली है वो मुझे एक तो अपने अध्ययन काल से ही मिली है, फिर मैं समाज कल्याण विभाग से भी जुड़ा रहा, वहाँ से भी मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिला। अब इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये अब वो संकल्प लिया है कि मैं जो गरीब असहाय वृद्धजन हैं जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, उनको उनका सहारा बनना है। बच्चे अच्छे मेधावी बच्चे हैं, उनकी वो अपनी गरीबी के कारण वो पढ़ाई नहीं रख सकते, उनकी पढ़ाई में उनको सहयोग करूँगा। और जो हमारे नौजवान युवक युवतियाँ हैं नशे की लत में हैं उनको सही मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से जो महिलाएं हैं समाज की प्रताड़ना या के दुर्व्यवहार से जो परेशान हो चुकी हैं उनको भी पुनर्वास करने की हम कोशिश करेंगे, और यही मेरे आगे की भी रही है। और इनको कुछ अगर मैं कुछ रोज़गार दिला सकूं, उनकी शिक्षा को मैं आगे जारी रख सकूं, यही मेरी कामना है।